ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी। सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। मतलब ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उनको उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना होता है। और ये जितने भी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सारे सेल के द्वारा परफॉर्म होते हैं। तो ये बॉडी का सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। पार्ट्स ऑफ सेल कि हर एक सेल जो है बॉडी का वो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के साथ कवर होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये है ह्यूमन सेल। तो इसमें डायग्राम में देखिए सबसे बाहर जो येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है ये है सेल मेम्ब्रेन, जहाँ इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर जो पर्पल कलर का है वो है न्यूक्लियस, और जो डार्क पर्पल कलर का है वो है न्यूक्लियोलस, और जो पिंक कलर के फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं वो है गॉलजी अपरेटस, जो पिंक कलर के गोल राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स हैं वो है लाइसोसोम्स, और जो डार्क येलो कलर के थोड़े जैसे सॉसेज शेप है, जो ओवल शेप के है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो छोटे छोटे हैं पार्ट्स वो है राइबोसोम्स, और जो पूरा येलो कलर का है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म। तो अब हम इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं सेल के वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में लर्न करेंगे। सबसे है पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन करती क्या है? जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको आपस में बांध के रखती है, मतलब उसको सेल के अंदर ही रखती है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होएगी, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होएगी सेल के बाहर, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे इधर उधर हो जाएंगे, वो सारे सेल से बाहर भी निकल सकते हैं, सेल से लीकेज भी हो सकती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की सबसे आउटर कवरिंग है, और ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डबल लेयर से मिलके बनी होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए क्या करती है? ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल कि कुछ सब्सटेंसेस या कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं, वो सिर्फ जिनको सेल मेम्ब्रेन परमिट करेगी। और क्या करती है? ये सेल को प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और ये जो सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट में, अंदर और बाहर मूवमेंट में सहायता भी करती है और उसको कंट्रोल भी करती है, और सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, अलग करती है, और ये जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज से और उनको लीकेज से प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ए सेल का जो है एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। ये जेली की तरह होता है, थिक होता है, मतलब गाढ़ा होता है, पानी से गाढ़ा होता है, जेली की तरह होता है, क्लियर होता है बिल्कुल। और ये इसमें पानी होता है, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलेज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शंस हैं इसके कि ये सेल के अंदर
जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, और साइटोप्लाज्म जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म उसमें भी हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल की शेप भी प्रोवाइड करता है, और ये सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है, उसको एक प्लेस में होल्ड करके रखता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होएगा तो ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, एक जगह पे टिक के नहीं रहेंगे, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे ऑर्गेनेल्स को कि वो अपना काम जो है वो सेल के अंदर कर सकें, अपना अपना जो फंक्शन है स्पेसिफिक फंक्शन हर एक ऑर्गेनेल का वो परफॉर्म कर सकें। और ये सेल एक्सपेंशन में, ग्रोथ में और रेप्लिकेशन जो भी फंक्शंस हैं सेल के वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सेल का, किसी भी सेल का, या एनिमल सेल का या ह्यूमन सेल का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, मतलब सेल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सब न्यूक्लियस के कंट्रोल के अंदर होती हैं। और ये इसको ब्रेन भी कहते हैं, सेल का ब्रेन भी कहते हैं, और जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स में से जो मटेरियल है या जो सब्सटेंसेस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी जाते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी निकलते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसके अंदर सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसमें कि जो जीन्स फॉर्म में होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है, जेनेटिक कोड इनके अंदर होता है डीएनए के अंदर। न्यूक्लियस जो है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, इसको स्टोर करके रखता है। ये क्रोमेटिन जो है और इसके अंदर एक जेल की तरह, जेली की तरह एक सब्सटेंस रहता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के, तो ये सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है, और ये राइबोसोम्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, और ये सिग्नल भेजता है सेल को फॉर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिवीजन एंड डेथ। मतलब कि सेल की जो ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, सेल डिवीजन होती है, और ये सब न्यूक्लियस के कारण ही होती है। अगर सेल जो है ख़त्म होते हैं, डैमेज होते हैं, वो भी न्यूक्लियस की सिग्नल के कारण ही होते हैं। उसके बाद है, ये है डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर हैं, और इसके अंदर डीएनए है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस मतलब कि इसका जो सेंटर है, न्यूक्लियस के अंदर का भी एक सेंटर होता है, एक ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। राइबोसोम्स है, और ये कॉन्टिन्यूस रहती है इसकी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियस का मेन कॉम्पोनेंट है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस का ब्रेन, या न्यूक्लियस का जो ब्रेन है या न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है उसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। जो न्यूक्लियोलस है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड प्रोटीन्स।
तो ये इनके इसके कंपोनेंट्स होते हैं, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। और ये भी एक मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है, मेम्ब्रेन जो है इसको सराउंड करती है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन। इसमें आरएनए ज़्यादा मात्रा में होता है और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, इसलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इसके फंक्शंस क्या हैं, एक तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस, और राइबोसोम्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। राइबोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फिर है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और हर एक सेल ऑर्गेनेले का अपना अलग फंक्शन होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गॉलजी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, सबका अलग-अलग। तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक से ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, अगर सिंगल है तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। और इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है, एटीपी एनर्जी, वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इनकी शेप ओवल होती है, जहाँ सॉसेज शेप के होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन के साथ कवर होते हैं, इनको इसलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इनका साइज़ होता है 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर, इनका डायामीटर होता है जहाँ साइज़ होता है। और इनके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं और अपना ही इनका डीएनए होता है। और इनके फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि इसको पावर हाउस भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करते हैं। न्यू सेल्स की ग्रोथ में, मल्टीप्लिकेशन में जो है वो प्रमोशन में हेल्प करते हैं, जहाँ प्रमोट करते हैं। डीटॉक्सिफाई अमोनिया, लिवर सेल्स के अंदर जो अमोनिया है उसको डीटॉक्सिफाई करके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सेल का प्रोग्राम है, जो सेल की डेथ का प्रोग्राम है, उसमें ये हेल्प करते हैं। मतलब कि जो कुछ समय के बाद सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं। और ये ब्लड के कुछ पार्ट्स और कुछ हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इस्ट्रोजन है, इनको भी बनाने में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्प करते हैं। और ये सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की, जो कैल्शियम आयंस है उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करने में, एडिक्वेट कंसंट्रेशन या नॉर्मल कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट इज गॉल्जी एपरेटस। तो गॉल्जी एपरेटस को हम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है, लेकिन इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये फ्लैट सैक्स जो हैं वो स्टैक्स में, मतलब कि जैसे एक के ऊपर एक हमने बोरी रख देते हैं, सैक्स रख देते हैं, सैक मतलब बोरी, ठीक है। तो ये फ्लैट होते हैं, सैक्स की तरह होते हैं, और एक के ऊपर एक जैसे हम टिका देते हैं बोरी को या सैक को, वैसी इनकी शेप होती है। और ये ज़्यादातर न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, लोकेशन इनकी न्यूक्लियस के नज़दीक होती है, और इनको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं कि जो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
वो स्टोर होती है गोल्जी अपरेटस में और सिक्रीट होती है गोल्जी अपरेटस में। तो गोल्जी अपरेटस पैकिंग का काम करता है और स्टोरिंग का काम करता है प्रोटीन, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है इसको रिलीज़ कर देता है। तो नेक्स्ट है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिसीव करता है और उसको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में पैक करके रख देता है, और ये और क्या करता है, लिपिड की ट्रांसपोर्ट में और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है गोल्जी एपरेटस। देन नेक्स्ट है इसका ऑर्गेनेले, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, सैक्स की तरह है या ट्यूब्स की तरह है जो आपस में जुड़े होते हैं या आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके साथ जो है इसकी वॉल के साथ राइबोसोम्स जो हैं, जो मेम्ब्रेन्स के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी मेम्ब्रेन के साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते, पूरा स्ट्रक्चर इसका स्मूथ होता है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, और ये प्रोटीन जो है प्रोटीन से बने होते हैं, एंड ये जो प्रोटीन है वो सेल के आउटसाइड यूज़ होती है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और मेडिकेशंस की डीटॉक्सिफिकेशन में, पॉइजन्स जो हैं उसकी डीटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और कैल्शियम आयंस की स्टोरेज में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों के अलग अलग फंक्शन। उसके बाद है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनकी सिंगल ही मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है। ये छोटे छोटे सैक्स की तरह होते हैं, शेप इनकी स्फेरिकल या राउंड शेप के होते हैं, डायामीटर इनका 1 माइक्रोमीटर होता है, और ये इनके अंदर होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स, और इसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं ये सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो उसको एनगल्फ कर लेते हैं, और इनको इसलिए फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करने की वजह से जहाँ जो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, जो काम करना बंद कर देते हैं कहीं, तो उनको ये एनगल्फ कर लेता है, उनको ये खा जाता है, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। फंक्शंस क्या हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनकी डाइजेशन में, उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर में हेल्प करता है, अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयर में हेल्प करता है, अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर जाने की कोशिश करती है, बैक्टीरिया या वायरस या कोई और एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको खा जाता है, और जो ऑर्गेनेल्स काम नहीं करते या डेड हो जाते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, और ये क्या करता है, जो सेल मर जाते हैं उनको ये पूरी तरह से खा जाता है या पूरी तरह से उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। ये है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स भी जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेले है,
इसके अंदर आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और ये या तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या साइटोप्लाज्म में ये फ्री होते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। अगर ये अटैच्ड हैं तो राइबोसोम्स, अगर ये फ्री हैं तो पॉलीसोम्स। अब इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये क्या करता है, अमीनो एसिड को असेंबल करके उनसे प्रोटीन बनाता है जो कि सेलुलर फंक्शन में हेल्प करते हैं, और क्या करता है सेल की प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये जो प्रोटीन है काफ़ी सारी सेल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, जहाँ प्रोटीन जो है सेल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि रिपेयर को डैमेज करना या फिर जो केमिकल प्रोसेसेस है उसमें हेल्प करना। तो प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि रिपेयर में हेल्प करते हैं, न्यू सेल्स की जो है बनाने में हेल्प करते हैं और केमिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो ये राइबोसोम्स में ही बनती है प्रोटीन और राइबोसोम्स जो है इसमें हेल्प करते हैं, ये है राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनकी भी सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वैक्यूल्स, और इनके अंदर वाटरी फ्लूइड जो है वो भरा रहता है, और इसके अंदर वाटरी फ्लूइड के अंदर काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टोर रहते हैं। अब फंक्शंस क्या है, जो वाटरी फ्लूइड है उसके अंदर ये स्टोर करके रखता है सॉल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट्स और प्रोटीन्स, और ये स्टोर करता है लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को भी स्टोर करके रखता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी स्टोर करता है और इनको बाहर निकलने से बचाता है। अगर बाहर निकल जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल से तो पूरे का पूरा सेल जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, और वैक्यूल्स के अंदर पानी भरा रहता है जो कि सेल वॉल के ऊपर फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है, और इसके कारण वैक्यूल्स के कारण ही सेल की शेप जो है मेंटेन्ड रहती है, और जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसको विदस्टैंड करने में, उसके अगेंस्ट काम करने में जो वैक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये हो गया वैक्यूल्स। देन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ऑर्गेनेले, ये इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो ये सेंट्रोसोम जो है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। ये सेंट्रोसोम मोस्टली न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, और इसके फंक्शंस क्या हैं, सबसे ज़रूरी फंक्शन जो है सेंट्रोसोम प्रोवाइड करता है वो है हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन होएगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, और ऐसे ही काफ़ी हज़ारों में और लाखों में सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। और ये क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन करके रखता है। जैसे माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है डॉटर सेल्स में वो सेम रहता है, जैसे अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 ही होएगा। और मियोसिस जो दूसरी सेल डिवीजन है मियोसिस, उसमें एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो मियोसिस में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स का नंबर। और क्या करता है, सेल की जो शेप है उसको स्टिमुलेट करता है और चेंजेस जो है उसमें हेल्प करता है, सेल की शेप में जो चेंजेस आती हैं उसमें हेल्प करता है, और अगर कुछ फॉरेन बॉडी जो है अंदर चली जाती है तो उसको फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है।
माइटोसिस में ये क्या करता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, और जो क्रोमोसोम्स है उनको हर एक डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का हेल्प करता है सेंट्रोसोम। तो ये हमने आज किया सेल और उसके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उसके जो फंक्शंस हैं हर एक ऑर्गेनेले का वो हमने स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।